मौत, हर नफ्स में मौत का जायका चखना है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिलआलमीन, कि ए हबीब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आमंतु बिल्लाहि सदकल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूलुल नबीयुल करीमुल अमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर। तारिक भाई तुम इको कम करो। من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تو غنی ازہر دو عالم من فقیر روز معاشر عذر ہائے من پذیر گر تو می بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر یا رب تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے इन सब पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे सबको यकीन है। जिस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम पे यकीन है, वो जरा अपनी हाजिरी को अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में यकीनी बनाते हुए बोले जरा सुभान अल्लाह। मैंने बार बार कतन ना आपको तंग नहीं करना, आप उठ के आगे आए, पीछे चले जाए, इधर आ जाए, उधर चले जाए, ये मेरी तबीयत मेरे मिजाज में नहीं है। जहाँ पे बैठे हैं आप खुश बैठे रहें, लेकिन जिक्र रसूल पाक है, क्योंकि जिक्र रसूल पाक है। जब से जुबान पर रहमत बरस रही है मेरे ख़ानदान पर, जहाँ पे जिक्र हबीब होता है, हमारा अकीदा ये है कि वहाँ खुदा खुद भी करीब होता है। अली भाई फोन ज़रा बंद करो ना, यह भी मेरी तबीयत के खिलाफ है कि कोई बंदा सरकार की महफिल में बैठ के हुजूर तो बैठा, जिक्र ही कोई नहीं, नज़दीक करवा लो। ਸਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੈਚਰਡੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਮਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ। आज हम अरशद भाई के साले सवाब के लिए तस्बीहात पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, फिर्द करें, कोई वजीफा करें, अल्लाह ताला के बारगाह में अपने हाथ जब हम बुलंद करें, हुजूर पाक की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद दुआए मगफरत करें, अल्लाह ताला मरहूम की बेहिसाब बख्शिश और मगफरत भी फरमाए। आज हम किसी के लिए तस्बीहात पढ़ेंगे, यकीनन हमने भी इस दुनिया से जाना है। और वो किसी शायर ने कहा था कि अगर अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सौ बरस का एक पल की खबर नहीं। अल्लाह जाने यहाँ से उठना भी नसीब होता है नहीं होता। तो इसलिए इन लम्हों को अपनी ज़िंदगी के ख़ास लम्हे समझिए। हुजूर के जिक्र की महफिल है, तकाजा यही है। मैं नहीं चाहता कि आप सुभान अल्लाह की दाद दें, नारे तकबीर और रिसालत बुलंद करें, लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा है, साले सवाब की महफिल है। पूरी तवज्जो से आप चंद लम्हात, कोई लंबी चौड़ी रिकावत मैं वैसे भी नहीं करता, मुझे आती भी नहीं। मैंने एक दो इशार पेश करने हैं, दुआ करें मेरे लिए, अरशद भाई के लिए, आप सब के लिए, बरोज़ हशर बख्शिश का सामान बन जाए। अल्लाह ताला इनके अहले खानों को सब्र जमील अता फरमाए। एक मरतबा ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दो तीन इशार पेश करते हुए मैं पहले सना खान को दावते ना दे रहा हूँ। मैंने आया करीमा पढ़ी है, वामा असलना का इल्ला रहमतल आलमीन, के हबीब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजरात ग्रामी कदर शायर एक बिल्कुल सादा तर्जमा करता है। शायर कहता है, अगर आपका जोक इजाजत दे, आप मिल के शामिल होना चाहते तो एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह, एक मरतबा फिर जरा बोलिए सुभान अल्लाह।
अव्वल हम सना इलाही जो मालिक हर हरदा उसका नाम सतारण वाला थे किसे मैदान नहीं हरदा। और फिर मैं क्यों ना कहूं कि जितन जितन हर कोई खेडे हारन खेड फकीरा जितन दामल कोटी पैंदा हारन दामल हीरा जितन दामल कोटी पैंदा हारन दामल हीरा। और सुपने विच मेरा माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावा दर्दी मारी अख ना खोला मता फेर भी छड़ना जावा हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे गेरा जी करदा सोने तेनू कोल बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। हां जी करदा सोने तेनू कोल बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। और वीर वीरां दे दुश्मन हुंदे वीर वीरां दियां बावां प्यो